दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जनेकता पार्टी। शहीद की पत्नी अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। उपमंडल जवाली के अधीन पंचायत राजौल के शहीद भीमसेन की पत्नी रेखा देवी व माता गत मंगलवार को कोटला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले। रेखा देवी ने कहा कि उनके पति भीमसेन असम राइफल में बतौर राइफलमैन कार्यरत थे और वर्ष 2002 में मणिपुर में माओवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। हिमाचल की सरकार ने आज तक उनकी सुध नहीं ली। रेखा देवी ने कहा, मेरा बेटा 60% अपंग है और हम उसको नौकरी दिलाने की मांग कर रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री से मिलते हैं, लेकिन आश्वासन ही मिलते हैं। इतनी परेशानी, मतलब पहले जो मतलब बच्चे छोटे थे तो थी जीने की उम्मीद थी कि बच्चे पालने हैं, बड़े होने, तो हमने किसी से बोला भी नहीं, मतलब कि हमें ऐसे करो, हमने अपने हिसाब से जी रहे थे। तो चल बच्चे की उम्मीद थी कि चल हमें अपना टाइम पास हो जाएगा, तो बच्चा मतलब भर्ती होने वाला था, तो फिर बस उसके बाद उसका जो एक्सीडेंट हो गया उसके बाद ना हम बिल्कुल टूट गए, पूरा परिवार ही टूट गया हमारा। वो ही उम्मीद थी हमारा, मतलब सभी परिवार का एक ही बेटा है वो, तो वो ही हमारी मतलब हम सरकार से 3-4 साल से लगा रहे हैं गुहार के। हमें कब शहीद हुए थे? 10 जुलाई 2002। कहाँ पर? मणिपुर में। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कोई राहत मिली, कुछ मिला? उधर तो मणिपुर की मतलब शिलोंग की सरकार से तो हमें सब जो उनकी तरफ से था वो तो मिला, पर जहाँ हिमाचल सरकार की तरफ से हमें कुछ भी नहीं आया तक, किसी ने पूछा तक भी नहीं कि हमें, हम यही इंतज़ार करते रहे कि हमें मतलब कोई ना कोई पूछेगा, मतलब किसी ने भी नहीं पूछा। फिर हम अपना टाइम पास मतलब कर रहे थे कि हम चलो कोई नहीं, हम जी लेते हैं जब बच्चों का जो भी है खत्म हो गई बहुत जल्दी शहीद बच्चे। अज ध्याड़े सज कोई सुविधा नहीं दी सरकार ने, कने मेरे बच्चा इतना 28 साल का था और 21-22 साल की नूह है, इतने साल असी एक दुए के मूह बस दिखते रहे, कुनी ने साड़ी सहायता की, अफसर आमदे न सारे आए, मिनिस्टर सारे आए, हाँ करिए कम कुनी नहीं घुमाया साड़ा, खड्डा दी रस्ता साड़ा खड्डा च है मकान, पुल पल कोई कुछ नहीं पाया, दूजा पानी की सुविधा सह नहीं थी, बिजली की सुविधा सह नहीं थी, एक बच्चा था सह, एक बच्चा कमाने वाला से खत्म हो गया, कन्नै मेरा क्या हाल है बच्चे का, क्या हाल है हूँ बच्चा मेरा पोत्र खुद की दिसकी नौकरी दिया सरकार ठाकरे इस बार इस बार दो बारी मिल चुके हैं, कोई सूरत नहीं साड़ी बना सुनाई कर, गरीबा की सुनाई कौन करना, कोई नहीं करना, मीरे की करने सारे सुनाई, हाँ जी हाँ जी करी जाते सारे कन्ने कमा कोई नहीं है, अज 21-22 साल हो गए न सजो न्याल दे, हूँ के गलाई सकने सरकार के गलाई सकने, कुछ नहीं गलाई सकते, मेरे बच्चे की सुविधा तो है ना, हक भी है साड़ा अपना, हक तोफने बच्चे जी बच्चे के अपना हक तोफने, चलो माड़ी मोटी नौकरी दे दें मेरे बच्चे के, चलो अपना खान गुजारा कर लेंगे, हूँ कुछ संभालना सह पिछे कंड बो ही है ना एक्सीडेंट है, तो हूँ सह सरकार के सुनवाई करा तस्वीरी इस गल होना चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट। लोकतंत्र के पक्षधर, अपराध रहित और देश प्रेम से प्रेरित नागरिक, जन एकता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी, जिला व खंड स्तरीय कार्यकारिणी और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए फेसबुक आईडी anilukd7@gmail.com और janektaparty.com या मोबाइल नंबर 9758059500 पर संपर्क या मैसेज करें। राजनीतिक रुचि व योग्यता रखने वाली युवा पीढ़ी विशेष आमंत्रित है।